अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली एनटीएस एंड पीपीएससी जॉब्स। एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अहम तरीन खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि 27/11/2019 से ताल्लुक़ रखती है। गवर्नमेंट ऑफ केपी के फिनांस डिपार्टमेंट ने एक लेटर निकाला, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लेटर है। मगर उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बताता चलूं कि बहुत सारे जो हैं डिपार्टमेंट में अपग्रेडेशन हो चुकी थी, इसके साथ साथ अब प्रिजन डिपार्टमेंट में भी अपग्रेडेशन हो चुकी है। मैं आपको बताता चलूँगा, असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट जेल जो कि 14वें स्केल में था उसको 16वें में अपग्रेड कर दिया गया। चीफ वार्डर जो कि 9वें स्केल में था उसको 11वां, हेड वार्डर जो कि 7वें में था उसको 9वां स्केल, वार्डर जो कि 5वें में था उसको 7वां स्केल, गेट कीपर जो कि 3रे में था उसको 11वां स्केल। ज़बरदस्त छक्का लगा इनका। ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो कि 3रे में था उसको भी 11वां स्केल, और अमोटर जो कि 3रे स्केल में था उसको 7वां स्केल, और इसी तरह ब्रांड मास्टर जो कि 3रे स्केल में था उसको भी 7वां स्केल दे दिया गया। बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का लेटर निकाला है। खरूस खसूसी तौर पर ये आप देखें, गेट कीपर जो कि 3रे स्केल में थे यकदम छलांग लगाई और 11वें स्केल में पहुँच गए। इसी तरह ड्रिल इंस्ट्रक्टर जो कि 3रे स्केल में थे उसको भी 11वां स्केल मिलता है। ना लगे तो ना लगे, लगा तो छक्के से भी ऊपर लगा। तो इस तरह आपको बताते चलूँ, ब्रांड मास्टर भी 3रे से 7वें स्केल में पहुँच चुके हैं। 27/11/2019 का प्रिजन डिपार्टमेंट का ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसमें फिनांस डिपार्टमेंट रेगुलेशन विंग ने इनकी पोस्टों की अपग्रेडेशन कर दी है। ताज़ा तरीन अपडेट आपने सुनी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आने पर फिर चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।